प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ ये है कि वो मैगजीन्स जो कि किसी गली में मोहल्ले में छप रही है वो पढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल मैगजीन्स पढ़िए, फौजियों को मना कर दिया जो करगिल में आए थे। अरे तो आप अपने आदमियों को मरने के लिए भेजने के बाद और खुद बोल देते हो कि हमारा नहीं है, उसकी डेड बॉडी लेने से मना कर देते हो, भाई तो इंसानियत किसकी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे वर्ल्ड न्यूज ऑन इंडिया चैनल पे बहुत ही स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर तो बनता है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। बेइज्जती का दूसरा नाम पाकिस्तानी मीडिया है। ये मीडिया चैनल पहले इंडियन पत्रकारों को बुलाते हैं अपने चैनल पे और फिर अपनी ही बेइज्जती करवाते हैं। आप इन पाकिस्तानी मीडिया एंकर के फेस एक्सप्रेशन देख सकते हैं जब इंडियन अपनी तारीफ करते हैं देश की, और इनका फेस रोने जैसा होता है। शायद पाकिस्तानी मीडिया ने अपना एक नया प्रोफेशन सेट किया है कि कितनी अच्छी तरीके से वो इंडियन से अपनी बेइज्जती करवा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में देखिए कि किस तरीके से इंडियन ने पाकिस्तानियों को उनके ही चैनल पे बड़ी बेइज्जती से मचकाया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। और आज का पाकिस्तान और आज का भारत अगर मैं पूछूं कि कहाँ खड़ा है, तो इसका जवाब तलाश करने की कोशिश करूंगी मौजूद मेहमानों से। सवालात का बॉल फेंकूंगी मैं मेहमानों के कोर्ट में। मेरे साथ जो नीरज शर्मा साहब, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि आज के भारत को अगर आप देखते हैं शर्मा साहब, तो आज का भारत कहाँ खड़ा है? यानी क्या माजी के भारत से बेहतर आपको दिखाई देता है, या फिर माजी के भारत को आप कहेंगे कि वो आज के भारत से बेहतर था? मुझे लगता है कि 21वीं शताब्दी का जो भारत है उसे किसी परिचय का भारत ने अपनी परिचय और अपनी पहचान पूरी दुनिया में बना चुका है। भारत, आज का भारत डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है। इसका भारत जाना जाता है इस बात के लिए, मानवता के लिए। आज का भारत जाना जाता है तकनीक के लिए। अगर आप दुनिया में किसी भी देश में जाइए और कहिए कि भैया सॉफ्टवेयर कंट्री कौन सा है, तो सबसे पहला नाम भारत का आता है। हमने बड़ी बड़ी कंपनी दिया, और केवल कंपनी नहीं दिया, भारतीय तमाम मुल्कों में जाकर के बहुत बड़े बड़े ओहदे पर बैठे हैं, खासतौर पर सॉफ्टवेयर कंपनी में। तो आज की भारत को पहचान की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इसकी पहचान एक ऐसे मुल्क के रूप में है जो विकास की ओर, जो डेवलपमेंट की बातें हमेशा करता रहता है। या आज के भारत की बात कर रहे हैं? जी हाँ, आज की भारत की। आज के प्रोग्राम में वो बेहतर समझ सकते हैं। तो आप बाकी समझते हैं कि इंसानियत अगर मर जाती है तो फिर इकोनॉमी कैसे जिंदा रह सकती है, या इकोनॉमी के जिंदा रहने का जश्न कैसे मनाया जा सकता है एक ऐसी जगह पर, एक ऐसे देश में जहां पे इंसानियत ऑलमोस्ट मर चुकी? ये काजमी साहब ने एक काम बड़ा अच्छा किया। पहले तो एक खुद ही एफिडेविट बनाया, उसकी अटेस्टेशन खुद की, और उस पर जजमेंट भी खुद दे दिया। भाई साहब, इंसानियत मर चुकी है। इंसानियत उस कंट्री में मरी है जो एक एक लाख रुपए देके, दो दो लाख रुपए देके फिदाइन हमला करने के लिए इंडिया भेज रहे हैं अपने बच्चों को, अपने यंगस्टर्स को। इंडिया में नहीं मरी है इंसानियत, उस कंट्री में मरी है जो कि अपने पास से आदमी इंडिया भेज देते हैं और उसके बाद बोलते हैं हमारा तो था ही नहीं, हमारा थोड़ी है, ये तो तुम्हारा अपना आपस का मामला है, हम क्या जाने। अपने फौजियों को मना कर दिया जो करगिल में आए थे। अरे तो आप अपने आदमियों को मरने के लिए भेजने के बाद और खुद बोल देते हो कि हमारा नहीं है, उसकी डेड बॉडी लेने से मना कर देते हो, भाई तो इंसानियत किसकी मरी, हमारी मरी या आपकी मरी? अब आप ये चीजें देखने से पहले, ये चीजें, ये जजमेंट देने से पहले सोच तो लिया कीजिए कि क्या हो रहा है आपके कंट्री में। टेरर एक ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री की तरह चल रहा है, नहीं चल रहा है क्या? आपके यहां बड़े बड़े क्रिमिनल्स, टेररिस्ट जिनको यूएन बोल चुका है ये टेररिस्ट है, खुले में घूम रहे हैं, ओपन में टेरर हैंडलर्स बैठे हैं। अमेरिका बोल चुका है कि यहां से टेरर चलता है, अमेरिका बोल चुका है। अमेरिका ने आपको अभी कुछ दिन पहले की बात है, आजकल तो आप किसी भी चैनल, आप किसी भी मुल्क के इंटरनेशनल मीडिया को देख लें, जितने भी वहां पे इंसानी हकूक के अलमबरदार तंजीमें होंगी उनको देख लें, जितने भी आप मैगजीन्स देख लें, बल्कि वहां के चैनल्स भी, वो तो इंडिया के हवाले से आवाज उठा रहे हैं। खासतौर पर कश्मीर में कितना जुल्म हो रहा है उस हवाले से भी हाईलाइट किया जा रहा है इंडिया के किरदार को, नेगेटिव किरदार। प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ ये है कि वो मैगजीन्स जो कि किसी गली में मोहल्ले में छप रही है वो पढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल मैगजीन्स पढ़िए, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स पढ़िए, हम आपको दिखाते हैं। अच्छा, आप बताएं क्या क्या बताना चाहते हैं जी। कश्मीर में जुल्म हो रहा है, फिर भी हजारों में, दस दस हजार की
दस दस हजार लड़के आ रहे हैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए, इंडियन पुलिस ज्वाइन करने के लिए। वहां के लड़के आईएएस, इस साल भी एक आईएएस लड़की निकली है, आईएएस टॉप किया लड़की ने, पिछले साल भी किया था, उससे पहले भी आईएएस में निकले डॉक्टर्स। मेरे पास कश्मीरी डॉक्टर्स हैं। एक बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल आपको बताता हूं, एक लेडी जिसका एबडक्शन हुआ कश्मीर में, हम लोगों ने उसको छुड़वाने के लिए टेररिस्ट छोड़े, वो थी मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी, वो इस समय दिल्ली में एक 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 हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं। अब आप ये सोचिए कि कश्मीरीज जो यहां पे जॉब कर रहे हैं इंडिया में, दिल्ली में या रेस्ट ऑफ इंडिया में, वो लोग तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम पाकिस्तान को हो रही है। इतने सारे अच्छा। लोग इतने कश्मीरी कैसे कैसे मिल रहे हैं। कश्मीरी को हम लेके आए थे जब कोरोना टाइम पे, जब वो बाहर पड़ रहे। अच्छा रोहित मुझे बात बताएं, एक मिनट, आप कहते हैं जी इंटरनेशनल मीडिया में हम लोग वो वाली इस तरह के मैगजीन्स को पढ़ लेते हैं जिनकी कोई हैसियत नहीं है आपकी नजर में, आप कहते हैं गली मोहल्ले के मैगजीन्स होते हैं, ये जो वीडियोस लोग खुद रिकॉर्ड करके फेसबुक पे सोशल मीडिया, आपको पता है आजाद है वहां पे लोग इजहारे राय कर सकते हैं, वहां पे जो वीडियोस आती हैं, वो जो वीडियोस होती हैं वो भी गले मोहल्ले के लोग होते हैं या वो मैगजीन्स होते हैं, वो तो लोग खुद बता रहे होते हैं उनके साथ क्या हो रहा है इंडिया के अंदर, कश्मीर में। सही कह रही हूँ कमर चीमा साहब जी, बिल्कुल ये गार्डियन को भी आप कहेंगे कि गली मोहल्ले। हाँ जी जी, अच्छा कमर चीमा साहब आपसे मैं पूछना चाहूंगी, अतर मैं इसका जवाब फिर आपसे भी लेती हूँ, आप कुछ कहना चाहें। अच्छा रोहित मैं आपकी तरफ आती हूँ, कमर चीमा साहब देखिए पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जितनी बातें कर रहे हैं कि जो इंडियंस पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं और वो बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं, क्या उनमें से कोई ऐसा इंडियन भी है जो इंडियन यूनिवर्सिटी से पढ़ के गया या वहां की यूनिवर्सिटियों से पढ़ के वही काम कर रहे हैं, तो ये आप किस तरह की बातें करते हैं। और रही बात इंडिया की, जो इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए यूनिसेफ कहता है, यूनिसेफ की रिपोर्ट है कि 25% इंडिया के बच्चों को तो स्कूल मिलते ही नहीं है। सो आप 800 मिलियन लोग जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, 68.8% जो लोग हैं वो $2 पर डे के हिसाब से कमाते हैं, 68.8% लोग $2 अ डे के हिसाब से, आप मुझे बताएं। और जो इन्फेंट्स होते हैं, जो चाइल्ड मोर्टैलिटी है, आप देखें नरेंद्र मोदी साहब ने इमरान खान साहब को कहा था कि आओ गुर्बत के खिलाफ लड़ें, लेकिन मोदी साहब को क्या हुआ कि वो मजहबी जुनूनियत और वो जो इंतहा पसंद मजहबी, आजकल तो उन्होंने दाढ़ी भी रख ली और पता नहीं शायद वो सारा टाइम अपनी हिंदुइज्म को प्रैक्टिस करते रहते हैं और वो भूल गए हैं कि वजीर आजम है, लाख लाख बंदा डेली कोविड का शिकार हो रहा है, पूरी दुनिया में जग हसाई हो रही है, हमें कहते थे आओ आओ मिलके गुर्बत का मुकाबला करें, आओ जहालत का मुकाबला करें, भाई हमने आपके साथ क्या जहालत का मुकाबला करना, हम आपके साथ इस जहालत में, जिस मुल्क में 25% बच्चे तो स्कूल ही मयसर नहीं है, 800 मिलियन लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, हमने आपका क्या मुकाबला करना, हम चाइना के साथ मिलके, हमारे वजीर आजम ने जो कहा है हमने तरक्की करनी है, इंडिया इसका हिस्सा बनना चाहता है तो बने, वरना जो अभी चीन ने आपके साथ किया है हम पहले ही कर रहे हैं, इंटरनली आप आइसोलेट हो गए हैं, आपके दोस्तों यूरोप और अमेरिका में बैठे हुए हैं जिनको जिन्होंने तो इस सारे मुश्किल वक्त में आपको बुलाया भी नहीं। मैं इंडियन अवाम को और मोदी साहब को पैगाम देता हूं कि जिस खित्ते में रह रहे हो वहीं पे हालात अच्छे करो, वहीं पे लोगों के मिलजुल के रहने की कोशिश करो, और ये जो आपने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है चीन के साथ, चीन एक वाहद मुल्क है जो $90 अरब की एक्सपोर्ट बेचता था आपके मुल्क में, जिससे आपके मुल्क के चूल्हे जलते हैं, अभी ये जो डीकपलिंग की पॉलिसी आई है कि इंडियन गवर्नमेंट ने बॉर्डर इश्यूज को इकोनॉमी के साथ मिला दिया है, तो अभी तो जो चूल्हे थोड़े बहुत जलते थे वो भी नहीं जलेंगे, तो मुझे तो हैरानगी होती है, -23% है आपका GDP, -23, और G20 के ममालिक में सबसे लो है आपकी इकोनॉमी, ये मैं नहीं कह रहा, ये G20 कह रहा है, तो भले आप नारे जितने मर्जी मारे, शाइनिंग इंडिया, राइजिंग इंडिया, पता नहीं कौन कौन तो भूख ही ना चाहिए। शर्मा जी, जी नीरज शर्मा, नीरज, नीरज जी कोई जवाब है आपके पास? आपके पास बिल्कुल बिल्कुल, G20 में क्या पाकिस्तान खड़ा है? G20 के लिस्ट में पाकिस्तान है क्या, जरा मुझे बताइए। और आप अभी बात कर रही थी मैगजीन्स की और अखबार की, आप पाकिस्तान सरकार का डोजियर पढ़ लीजिए जो फ्रांस को दिया गया है FATA लिस्ट के लिए, वो डोजियर बता देगा कि आपके देश में कितने आतंकी हैं, वो डोजियर बता देगा कि कहां दाऊद इब्राहिम है, वो डोजियर बताएगा कि हाफिज सईद और बाकी जकीर रहमान जैसे लोग कहां हैं, वे किसी मैगजीन्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप
सरकार का, पाकिस्तानी सरकार का डोजियर पड़ी है। सही कह रहे हैं कि आतंकवादी है, कुलभूषण कौन है, कुलभूषण क्या करने यहाँ पर आया था, क्यों अतर उस डोजियर में लिस्ट है? बिल्कुल डोजियर में नाम है। इनके भेजे भी आतंकवादी होंगे हमारे मुल्क में, जो जासूसी करने आते हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान को तोड़ने के लिए गंदी साजिश पर आते हैं भारत से। पहले मैं करके कह रहा हूँ, क्या डोजियर में आप दिखा सकते हैं कुलभूषण जाधव का नाम? नहीं है। उस डोजियर में नाम है जी अतर। अच्छा, यानी आप कहना चाह रहे हैं कि कुलभूषण है ही नहीं यहाँ पे? क्या बात कर रहे हैं आप शर्मा साहब? मसला ये है कि मोहल्ले में बच्चा जानता है। जी जी नीरज, उसमें आपको पता चल जाएगा।